नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो से जरिए आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं पोल्ट्री फार्म के अलावा और भी क्या क्या करता हूँ। एक समझ लीजिए कि मेरा ये भी लोग है, लाइफ स्टाइल ये भी है। तो बहुत लोग हमको कमेंट भी किए थे भैया की, और फ़ोन पर भी बात किए थे कि भैया आप पोल्ट्री फार्म के अलावा भी कोई बिजनेस करते हैं कि बस पोल्ट्री फार्म ही चलाते हैं। तो मैं उनको बता दूँ, भैया मैं पोल्ट्री फार्म के अलावा भी 3-4 बिजनेस और भी है मेरे पास, उससे भी करता हूँ और पोल्ट्री फार्म को भी मैनेज करता हूँ, जो कि 17-18 हज़ार के चिक्स हैं, 7-8 फार्म भी है मेरा। तो एक ही काम नहीं है बस पोल्ट्री फार्म चलाना, मैं काफ़ी बिजनेस करता हूँ। तो आज दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूँ कि हमारा दो चैनल है यूट्यूब पर, एक विशाल निषाद के नाम से और एक मेरा चैनल, जो दूसरा चैनल है वो है एसके पोल्ट्री के नाम से। तो इसके पोल्ट्री वाले चैनल पर मैं बस मुर्गी की जानकारी देता रहता हूँ कि मुर्गी को कब कैसा पालन करना चाहिए, कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए, कब और कौन सा कंडीशन में कौन सी मेडिसिन देना चाहिए। तो उसमें बहुत अच्छा अच्छा नॉलेज मैं अपना शेयर करता रहता हूँ। दूसरा जो चैनल है उस पर अपना भी लोग जैसे और लाइफ स्टाइल इस तरीके से मैं चैनल पर विशाल निषाद के नाम पर उसको अपलोड करता रहता हूँ। जहाँ हमको टाइम मिलता है कहीं घूमने जाता हूँ तो उसका मैं वीडियो बना करके अपलोड करता रहता हूँ। तो आप दोनों चैनल को आप देख लीजिएगा, अगर आपके लायक जो भी चैनल होगा उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपके लायक है तो, अगर नहीं लायक है तो मत करिएगा, मेरा कोई दबाव नहीं है। तो आज मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ मेरा लाइफ स्टाइल और खेत बाड़ी में कैसे करता हूँ, खेती वगैरह भी है। तो बेसिकली मैं खेती नहीं करता हूँ, खेती तो मेरे मम्मी पापा हल्का फुल्का टाइम पास करते रहते हैं, जो छोटा सा खेत है इसमें। तो मैं इस वीडियो में दिखाना चाहता हूँ कि अभी आज मई का दिन है और क्या क्या मई में हुआ है हमारे खेत में, मम्मी पापा क्या उपजाऊ किए हैं। तो सबसे पहले मैं दिखा दूँ, देख लीजिए मेरे पीछे एक आम का पेड़ लगाए हुए हैं, अभी इसका शायद 3 साल हो गया लगाए हुए। तो 1 साल के बाद इन्होंने फल देना चालू कर दिया था, लेकिन अभी इतना बड़ा था तभी, तो उसमें उस समय बहुत कम फल दिया था, लगभग 3-4 फल दिया था। तो उसको मम्मी पापा जानबूझ के तोड़ दिए जब छोटा ही छोटा था, तभी बोले कि इसका जो है ना पेड़ का जो बोले कि पेड़ इसका नाजुक हो जाएगा, इसलिए तोड़ दिए थे। तो अब जो है इस साल जो है बहुत काफ़ी तेज़ी से फरा हुआ है, देख सकते हैं बहुत ऊपर नीचे चारों बगल फरा हुआ है। अब इसका हाइट की बात की जाए तो अभी हाइट इसका ज़्यादा नहीं है, लगभग 7 फुट होगा, 7 या 8 फुट होगा इसका। तो अभी मैं इसको दिखाता हूँ कि कितना तेज़ से फरा हुआ है चारों बगल से। ये है आम की पेड़, 2 पेड़ लगाए हुए हैं, 3 साल पहले लगाए थे और अंदर भी लगा हुआ है। और काफ़ी जो ये पेड़ है काफ़ी बड़ा बड़ा फल देता है, इतना बड़ा बड़ा फल देता है और काफ़ी मिठास भी होते हैं। मैंने ऐसा मम्मी पापा से सुना था कि ये कौन सा ब्रेड का है, तो बोला काफ़ी बड़ा बड़ा होगा और मिठास भी होता है। और मेरे पीछे दूसरा पेड़ की बात करते हैं तो दूसरा पेड़ भी आपको दिखा दें, ये रहा। लेकिन देखने से अभी लगता है कि यहाँ काफ़ी लंबा लंबा पेड़ होगा और काफ़ी लंबा इसका फल, बड़ा फल होगा, क्योंकि अभी जो टाइम हुआ है और लोगों का मैं फल देख रहा हूँ जो आम की है, बहुत छोटा छोटा है लेकिन, और इसका जो फल है वो काफ़ी बड़ा बड़ा हो रहा है दोनों का। और मेरे पीछे है, दिखा दूँ नीचे, यहाँ पर प्याज की खेती की गई है और यहाँ पर मोटर से पानी चलते हैं, देख लीजिए प्याज की खेती किया गया है। लेकिन प्याज हमारे ख्याल से तो अच्छा फल नहीं हुआ है, प्याज का जो नीचे है वो बहुत ही छोटा छोटा है, अच्छा प्याज नहीं हुआ है। और मैं दिखा दूँ मेरे पीछे ये है मक्का का थोड़ा सा खेती किया गया है यहाँ पर, जो अभी गर्मी चल रहा है तो गर्मी में वैसे आप जानते हैं कि मक्का नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उपजाऊ किए हैं और अच्छा खासा हो रहा है और फल भी फूला गया है, लेकिन अभी फल देना बाकी है, फल भी कहीं कहीं दे रहा है। और नीचे यहाँ पर बैंगन की खेती की गई है, देखिए यहाँ पर मक्का जो है फूल दे रहा है। और मैं दिखा दूँ आपको थोड़ा, एक संतरे की खेती किए हैं, एक संतरे का भी पेड़ लगाए हैं, ये रहा संतरे का पेड़, मैं दिखा देता हूँ थोड़ा आगे से, ठीक है। और ये भी अभी फल देना चालू कर दिया है, दिखा दूँ, ये रहा नज़दीक से देखिए इस तरीके से ये भी फल दे दिया है कहीं कहीं, और ऊपर भी दिया है, दिखा दिया एरा, काफ़ी तेज़ी से ये भी फरा हुआ है। तो ये रहा मेरा खेती, और मैं अपने पीछे क्या क्या चल रहा है, ये रहा खेती खलिहान, ये फसल पूरे खेत का कट चुका है। तो कटने का बाद जो खेती का माहौल होता है कैसा होता है गांव में, वो दिखा दूँ।
और आपको एक चीज़ जो दिखाना चाहता हूँ, देख लीजिए, आपको कुछ बच्चे हैं और गांव में क्रिकेट खेलने, तो गांव में किस तरीके से क्रिकेट खेला जाता है, चलिए मैं क्रिकेट के पास चलता हूँ जहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं।